स्थानीय शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में बुधवार को कक्षा 9वीं के एसटी एससी व बीपीएल परिवार के बच्चों को सरस्वती साइकिल वितरण योजना के तहत निशुल्क साइकिल प्रदान किए गए। उक्त साइकिल वितरण कार्यक्रम पर अतिथि के रूप में शाला प्रबंधन समिति के अध्यक्ष संतोष कंसारी, वार्ड पार्षद व स्वास्थ्य सभापति अजय साहू, पार्षद हेमंत साहनी व वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुनील जैन उपस्थित थे। सभी अतिथियों की उपस्थिति में बुधवार को कक्षा 9वीं के अध्ययनरत 85 बच्चों को साइकिल वितरण किया गया। इससे पहले मंगलवार को इस योजना के तहत 90 बच्चों को साइकिल वितरण किया गया था। बुधवार को भी इस योजना के तहत बाकी बचे छात्राओं को साइकिल वितरित किए गए। इस विद्यालय में कुल 204 ऐसे छात्राओं को साइकिल मिले जो एसटी एससी और बीपीएल कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। साइकिल वितरण के संबंध में संस्था की प्राचार्या सरिता नारसे ने डीएनएक्स रिपोर्टर को विस्तार से बताया कि लॉकडाउन के नियमों का पालन हो सके इसके लिए बच्चों को अलग अलग दिन संख्या के आधार पर बुलाया गया है, जिससे छात्राओं की एक साथ भीड़ न लगे। उन्होंने बताया कि सरस्वती साइकिल वितरण योजना के अंतर्गत प्रति वर्ष कक्षा 9वीं में अध्ययनरत छात्राओं को इस योजना के तहत साइकिल वितरित की जाती है। अभनपुर विकास खंड का सबसे बड़ा दर्ज संख्या वाला स्कूल होने के चलते यहाँ पर कुल 206 छात्राओं के लिए साइकिल आया है। बच्चों को साइकिल वितरण के लिए शिक्षकों द्वारा बनाए गए व्हाट्सएप ग्रुप से जानकारी दी गई, जिसके बाद उन्हें कॉलिंग करके उनको अपने पालक के साथ यहां पर बुलवाया जा रहा है और फिर उन्हें साइकिल प्रदान किया जा रहा है। इस योजना से छात्राएं काफी खुश हैं। हमें उम्मीद है कि दूर गांव से पढ़ाई करने आने वाली छात्राएं अब निरंतर स्कूल आएंगी, जिससे दर्ज संख्या में वृद्धि देखने को मिलेगी। साइकिल वितरण कार्यक्रम को सफल बनाने में संस्था के शिक्षक गणेश राम गवाल, वाणी उपासना, खिलेश्वरी दीवान, अकाउंटेंट चोवाराम सिन्हा व अर्चना रणसिंह आदि लगे हुए हैं। इस विद्यालय के कक्षा 9वीं में पढ़ने वाली सरिता साहू, रीणा रात्रे, हर्षा साहू, पूर्वी साहू, रेणुका तारिणी, लक्ष्मी साहू, प्रियंका गिलहरे, शिखा सहित अन्य दूसरे छात्राएं जो नवापारा सहित पास के छाटा, दुलना, पटेवा, कुर्रा, पारागांव व सोनेसिल्ली से आते हैं, जिन्हें काफी दिक्कतें होती थी, आज साइकिल पाकर उनका खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। सभी ने इसके लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आभार जताया। छात्राओं ने बताया कि अब हम समय पर स्कूल पहुंचेंगे, साथ ही आने जाने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। ऐसे देखने को मिलता था कि 8वीं तक गाँव में पढ़ने के बाद आगामी कक्षा की स्कूल दूर होने के चलते लड़कियों को उनके पालक साधन व सुरक्षा की दृष्टिकोण से स्कूल नहीं भेजा करते थे, लेकिन सरस्वती साइकिल जैसे महत्वपूर्ण योजना से सरकार इस समस्या का भी समाधान कर रही है। इस योजना से लाभान्वित हर छात्र को समय में स्कूल पहुंचने में मदद मिलेगी, साथ ही इससे कक्षा में प्रतिदिन छात्राओं की दर्ज संख्या भी बढ़ेगी। डीएनएक्स टीवी के लिए नवापारा राजिम से विश्वेश्वर हिरवानी की रिपोर्ट। यहाँ पे एक और दूसरी छात्रा है जो पारा गांव से आती है, जी बताइए साइकिल पाकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग पहले बस से आते थे, बहुत लेट हो जाते थे, और अब हमें बहुत खुश है कि साइकिल मिला जी। इस बात के लिए मैं सरकार को धन्यवाद देती हूं। जी आपका नाम? रीना रात्रे। हमारे साथ पटेवा गांव की एक छात्रा है और पटेवा गांव यहां से लगभग 4 किलोमीटर दूर है स्कूल से। जी बताइए कैसा लग रहा है आपको साइकिल पाकर? साइकिल मिलकर मेरे अच्छा लग रहा है और मैं सरकार को धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। पहले आप कैसे स्कूल आते थे? साइकिल पे आते। अच्छा, तो अभी आपको नया साइकिल मिला, इसकी खुशी है आपको? हाँ। ठीक, आपका नाम? सरिता। आज जो साइकिल वितरण की जा रही है शासकीय उच्चतर कन्या माध्यमिक विद्यालय में, यहाँ पर उनके पालक भी उनके साथ आए हुए हैं, आइए उनसे बात करते हैं। जी बताइए आपके अंदर किस तरह की खुशी है कि आपके बच्चों को साइकिल? मतलब अच्छा रहेगा, बच्चे समय पर स्कूल आ पाएंगे। आप सरकार को भी, आप भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहेंगे इस योजना के लिए? धन्यवाद जी। आपका नाम? हमारे पास 7 संस्था के शिक्षक ग्वाल सर यहाँ पर है और उनसे इस योजना से संबंधित जानकारी चाहेंगे। जी बताइए इस योजना के बारे में। कल 3 तारीख को 9वीं की छात्राओं को
साइकिल वितरण किया गया, जिसमें हमारे संस्था के प्राचार्य श्रीमती सरिता नात्रे में एवं जन भागीदारी समिति के अध्यक्षा श्रीमती संतोष कंसारी एवं विधायक प्रतिनिधि पार्षद तथा गणमान्य नागरिक की उपस्थिति में। कितने बच्चों को साइकिल मिल रहा है आपके विद्यालय से? हमारे विद्यालय से 204 छात्राओं को साइकिल शासन द्वारा मिल रही है। जी ठीक है। और सब बच्चे खुशी से यहाँ से आकर के अपने पालकों के साथ जी आती हैं और साइकिल ले जाते हैं, बड़ा खुश होते हुए जा रही हैं, पालक भी खुश हैं। आपको लगता है कि बच्चों की दर्ज संख्या में अब इजाफा होगा इससे? हाँ जी, जी निश्चित बच्चों की दर्ज संख्या में जी इजाफा होगा। जी आपका नाम? मेरा नाम गणेश राम ग्वाल।